अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम टेंस स्टार्ट करने लगे हैं। टेंस जो हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और इसमें मजीद आगे से जो हैं फर्दर टाइप्स होती हैं, जिस तरह प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। तो अभी हम जो हैं पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, और फिर पास्ट, फिर इस तरह से फ्यूचर की जानब जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। टेंस में आपने एक बात जहन में रखनी है कि इसके अंदर ना ज़माने की बात की जाती है कि किस ज़माने में काम किया जा रहा है या काम किया जाता था, ठीक है, या किया जाएगा इस तरह से। तो जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है ना, इसके अंदर ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हम जो है मौजूदा कोई काम जो जारी हो उसकी बात करते हैं, ठीक है। मौजूदा काम जो जारी हो मौजूदा वक्त में, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ लिखवाता हूँ आप लिखते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो मौजूदा वक्त में जो काम जारी है ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। अच्छा, और इसके अंदर ये होता है कि काम जारी होता है। एक तो होता है ना इंडेफिनेट, आपको उसका भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि इंडेफिनेट में होता है कि काम रेगुलर बेसिस पे, मतलब जारी रहता है, रेगुलर बेस पे होता है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर रेगुलर बेस का काम की बात नहीं हम करते, इसमें करते हैं जो मौजूदा वक्त में, इस वक्त जो काम हो रहा हो उसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में जो है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी पहचान आपने जहन में रखनी है अच्छी तरह कि जुमले के आखिर के अंदर क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, आएगा, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस है। अच्छा, अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी जानिब हम आते हैं। तो इसमें जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है, और हम फिर फुल स्टॉप लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आएँ, सब्जेक्ट इज एम आर आएगा, नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आई एन जी और ऑब्जेक्ट एंड पे। और जो इंट्रोगेटिव होगा, सवालिया जुमला, उसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी कि ये इज एम आर, ये स्टार्ट में आ जाएंगे, उनके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आई एन जी और ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप को अगर पॉजिटिव का फॉर्मूला याद हो जाता ना तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पॉजिटिव में क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव आपने करना है तो इज एम आर के बाद नोट लगा देना, और अगर इंट्रोगेटिव सवालिया बनाना है तो पॉजिटिव ही जो इसका फॉर्मूला है उसके अंदर इज एम आर बस स्टार्ट में ले आना है और सब्जेक्ट को उनके बाद ले जाना है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, अब एग्जाम्पल से पहले एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इज एम और आर किन किन के बाद आपने लगाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के बाद आपने ये इज एम आर का इस्तेमाल करना है। जी स्टूडेंट्स, आप हमेशा जहन में रखिएगा ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा तो आपने उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, इज का इस्तेमाल करना है। और आई क्या होगा, आई के लिए क्या आएगा, एम, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है और यू, दे, वी, इनके साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। और सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट होता है ऐसी चीज़ जो कोई काम करने वाला हो, ठीक है, जो काम कर रहा है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और जो काम किया जा रहा हो वो क्या होता है, वर्ब, और जिसके ऊपर काम किया जाए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है, तो आप जो है वो सुन रहे हैं, आप क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अगर मिसाल के तौर पे कॉपी पे लिख रहे हैं कुछ, आप क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, कॉपी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, और लिखना क्या हो जाएगा, वर्ब। तो इस तरह से आपने चीज़ों को जहन में रखना है, ठीक है। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, वो मुख्तलिफ किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसमें सबसे पहले देखना है कि जी काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो काम कौन कर रहा है, वो, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ले आएंगे, जब इसकी ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, तो इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि दे प्लूरल है तो ये इधर आ जाएगा, दे, और फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दे के बाद जिस तरह से मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि दे के साथ क्या आएगा, आर।
तो दे आर, और पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। तो फॉर्मूले में जिस तरह से मैंने बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ ing, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, और साथ में हम ing लगा देंगे तो रीडिंग हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, डिफरेंट बुक्स, मुख्तलिफ किताबें, इस तरह से ये टेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगी, ठीक है। और मैंने इसको अंडरलाइन करके नीचे मेंशन भी किया है कि दे क्या है, सब्जेक्ट है, और आर हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और ing यानी कि वर्ब है वो एक्शन है, और बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके नीचे मैंने वो लिख दिया है। और आप पीछे फॉर्मूला देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, और किस तरह से ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट जुमला, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब फिर से कौन होगा सब्जेक्ट, हमने देखना है कौन खेल रहा है, वो, ठीक है। वो प्लूरल की इंग्लिश क्या होती है, दे, तो हमने दे लिख दिया, दे आर, दे के साथ आर आएगा, प्लेइंग फुटबॉल, दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्यों हो गया, वो वर्ब वर्ब हो गया, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट, वो चाय नहीं पी रही है, ठीक है। अब कौन काम नहीं कर रहा, वो, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ऊपर मैंने मेंशन किया है कि ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, शी इज़ नॉट टेकिंग टी, वो चाय नहीं पी रही है। चाय के लिए जो है हम ड्रिंक का वर्ड नहीं यूज़ करते, टेक का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये आपने जहन में रखना है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, पहले मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की दी। क्या तुम बाजार में खरीदारी कर रहे हो? अब देखें, जब नेगेटिव सेंटेंस आपने करना है ना, तो उसमें आप आसानी पैदा करने के लिए क्या करें, ओ सॉरी नेगेटिव कह रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें आसानी पैदा करने के लिए आप क्या करें कि अब देखें आप क्या है, अगर क्या को आप हटा दें तो इसकी उर्दू क्या बनेगी, तुम बाजार में खरीदारी कर रहे हो, तो इस उर्दू की जो है पहले इंग्लिश करें, यू आर शॉपिंग इन द मार्केट हो जाएगा, और फिर इसकी जो है इंग्लिश कर दें। इंग्लिश से मुराद है कि मतलब इसको आप जो है इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम आर को स्टार्ट में ले आएंगे और यू को सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर यू शॉपिंग इन द मार्केट। अगला जुमले को देखें, क्या वो लाइब्रेरी जा रहा है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट, तो इसमें इज एम इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब पे वो स्टार्ट में आ गया, ही जो है सब्जेक्ट बाद में आ गया, गोइंग वर्ब है, और एंड पे लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपने जहन में रखने, ये आपको सुनने में अक्सर बच्चों को जो है बहुत आसान लग रहा होगा कि जी ये तो कोई मसला ही नहीं टेंस करना, लेकिन ये 12 टाइप्स के सेंटेंस हैं, तो 12 टाइप्स के टेंस हैं, तो ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसके लिए असाइनमेंट बनाई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने उन टेंसेस की जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट, इसको नोट करें, और आपने जो पीछे जो फॉर्मूला वगैरह बताए हैं उनको भी जो है वो अच्छे से नोट कर लेना, नहीं तो आप ये कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मूला आपके माइंड में लाजमी होना चाहिए, पहचान और फॉर्मूला। अब आप देखें, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और सबके एंड के ऊपर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यही आ रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा। अगर इस तरह से जुमले हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो नमाज पढ़ रहा है, क्लीम और कामरान भाग रहे हैं। अब इस तरह से आपने जहन में रखना, क्लीम और कामरान ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए आपने आर यूज़ करना है, क्लीम एंड कामरान आर रनिंग, ठीक है। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं क्या होगा, सब्जेक्ट आई, गाना गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जितना क्या वो टीवी देख रहा है, तो क्या करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में लाएंगे, यानी कि इज एम आर को स्टार्ट में लाएंगे, इज ही वॉचिंग टीवी, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपने फॉर्मूला जहन में रखना है, इसकी पहचान जहन में रखनी है, और फिर ये असाइनमेंट करनी है, और इसकी प्रैक्टिस जो है बुक से भी, आप जो आपकी ग्रामर कंपोजिशन है उसमें से भी आप ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस निकाल के एक्टिव वॉइस जो है वो करें, तो प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी। तो
और इंशाल्लाह आप जो है वो इसकी तैयारी करें और कल अच्छा सा क्विज दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।